ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग का जो क्रेज़ है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा है स्पेशली ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग रिलेटेड टू जर्मनी एंड उसके कई कारण हैं तो उसको थोड़ा सा समझते हैं पहले ये समझते हैं कि इंडिया में के प्राइवेट कॉलेजेस में क्या होता है एक थोड़ा ब्रीफ इन्फॉर्मेशन इंडिया में जो बिगेस्ट मैकेनिकल में जो एक्सपोजर मिलता है वो दो कॉम्पिटिशन के थ्रू मिलता है और भी होंगे पर ये दो बिगेस्ट है बहा एंड सुपरा ठीक है जो कि ऑटोमोटिव से रिलेटेड है यह एक पॉइंट समझ में आता है ठीक है यहाँ की बात करते हैं जर्मनी में क्या है मेरे मेरी यूनिवर्सिटी बात के बारे में बात करते हैं कि बहुत सारे यहाँ पे इंस्टीट्यूट होते हैं ठीक है लाइक वेल्डिंग एंड जॉइनिंग का एक इंस्टीट्यूट हो गया एक डिजिटल आर प्रोडक्शन आर एड मैनुफैक्चरिंग से रिलेटेड इंस्टीट्यूट हो गया एक वेचेल नाम का इंस्टीट्यूट है गया डब्ल्यू सॉरी एंड uh, वो मशीन टूल से रिलेटेड हो गया तो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं बहुत सारे इंस्ट्यूट्स होते हैं ये तो बस दो तीन जिनका मैंने नाम लिए जो मेरे से रिलेटेड हैं। तो ये इंस्टीट्यूट क्या होता है कि ये इंस्टीट्यूट्स लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को जो आर डब्बू यूनिवर्सिटी है उनके स्टूडेंट्स को ये स्टोन जो भी रिसर्च वर्क कंडक्ट हो रहा है जो भी रिसर्च वर्क उधर चल रहा है उस उन इंस्टीट्यूट्स में हो रहा है वो लोग इधर उसके उससे रिलेटेड वो लेक्चर्स पढ़ाते हैं इन एडिशन टू दैट स्टूडेंट्स जो हैं वो उधर उन इंस्टीट्यूट्स में जाके बैचलर स्टूडेंट्स और मे बी मास्टर स्टूडेंट्स समटाइम्स उधर जाके रिसर्च वर्क कर सकते हैं अंडर सम रिसर्च असिस्टेंट एज अ स्टूडेंट जिसको हम लोग स्टूडेंट जॉब बोलते हैं तो स्टूडेंट्स को ऑलरेडी बहुत सारा एक्सपोजर मिलता है बैचलर्स के स्टडीज़ में डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में ठीक है जो भी फील्ड में उनको मतलब इंटरेस्ट होता है वो जाके थोड़ा परस्यू करते हैं रिसर्च वर्क तो उनको बहुत सारा एक्सपोजर मिल जाता है तो मैंने सिर्फ दो तीन इंस्टीट्यूट्स के बारे में बताया ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं तो उनको जिस चीज़ में उनको अच्छा लगता है या इंटरेस्ट आता है तो वो लोग उस चीज़ में कुछ ना कुछ परस्यू करते हैं रिसर्च वर्क बैक टू माई पॉइंट हमारे इंडिया के जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उनमें क्या होता है मैं आई की बात नहीं कर रहा क्योंकि आई का मुझे पता नहीं है मैं पढ़ा भी नहीं हूँ प्राइवेट कॉलेज में ये होता है कि जो बिगेस्ट एक्सपोजर है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रैक्टिकल एक्सपोजर की बात कर रहा हूँ वो है बाह एंड सुपरा तो अब अट्ठारह से बाईस साल के बीच के जो बच्चे होते हैं उनके दिमाग में क्या आएगा ऑटोमोटिव के अलावा कोई और फील्ड सूझेगी नहीं क्योंकि चार साल तो वही किया है ना कुछ और एक्सप्लोर करने का मौका ही नहीं मिला है तो मेरा वही पॉइंट था कि तुम तुम्हें जब कोई चीज़ टेस्ट करने के लिए नहीं मिली है तो तुम कैसे बोल सकते हो कि उसका टेस्ट कैसा है राइट right. जैसे खाने के बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ कि तुमने कोई तुमको लगता है कि मुझे ये सब्जी पसंद आती है लेकिन तुमने कुछ अलग सब्जी खाई जो तुम्हें पहले पसंद नहीं थी लेकिन तुमने थोड़ा किसी किसी और शेफ़ ने बनाई है वो और फिर तुमने वो टेस्ट की तो तुमको रियलाइज हो कि ये इतनी अच्छी टेस्ट भी कर सकती है तो मेरा पॉइंट ही वो है कि एक्सप्लोर करो फील्ड्स को जब तक तुम्हें क्योंकि तुमने कोई चीज़ कभी टेस्ट की ही नहीं तुम कैसे बोल सकते हो कि तुम्हें उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं है तुमको पता ही नहीं है उस फील्ड के बारे में तुम बस एक ही अपने आप को रिजिड वे में रखे हो कि मुझे ऑटोमोटिव चाहिए और बाकी जितने भी फील्ड्स हैं मुझे करना ही नहीं मुझे सिर्फ इसी में करना है तो प्रॉब्लम इज कि ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग फॉर एग्जाम्पल आर में कंसिडर किया जाए तो बहुत ज्यादा है मुश्किल है मिलना क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है होता है अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह होती है कि मुझे लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजते हैं उनके पूरे प्रोफाइल्स भेजते हैं कि मुझे इतने साल का दस साल का वर्क एक्सपीरियंस है पच्चीस साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो मुझे मिलेगा कि नहीं मुझे नहीं पता मैं नहीं बता सकता वो सुबह एडमिशन कमेटी बता सकती है मैं एडमिशन कमेटी में नहीं बैठता तो मुझे कोई आइडिया नहीं है तुम्हें मिलेगा कि नहीं वही गैम्बल है बिकॉज अगर दूसरे कोर्सेज की बात किया जाए जो पेड होते थोड़े से ऑटोमोटिव इज़ फ्री तो पेड कोर्सेज़ के बारे में थोड़ा बहुत बता भी सकते हैं कि वेदर तुमको मिलेगा कि नहीं एडमिशन बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस और जो कि रॉन्ग हो सकता है कोई कुछ बोल नहीं सकता लेकिन फ्री कोर्सेज के लिए कंपटीशन इतना हाई होता है कि भले तुम्हारी ही तुम्हारी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो, हमेशा कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है जो तुमसे बेटर है और अगर वो भी नहीं है तो इसमें एक बहुत बड़ा गैम्बल ये भी है कि कभी कभी यूनिवर्सिटीज़ इसलिए रिजेक्ट कर देती है बिकॉज तुम्हारे बैचलर स्टडीज़ में कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं Uh, मतलब जो सब्जेक्ट उनको इंपॉर्टेंट है जो चाहिए वो नहीं होते हैं तुम्हारे बैचलर स्टडीज में तो तुमको उतने क्रेडिट पॉइंट्स नहीं मिलते जिस वजह से वो लोग रिजेक्ट कर देते भले ही तुमको बहुत ज़्यादा अच्छा तगड़ा एक्सपीरियंस भी क्यों ना हो उस फील्ड में तो एक काइंड ऑफ गैम्बल है तो इंस्टेड ऑफ लाइक पुटिंग ऑल ऑफ योर एग्स इन वन बास्केट मेरा कहने का मतलब है कि तुम दूसरे फील्ड्स भी एक्सप्लोर करो मे बी मे भी तुमको ऐसी कुछ चीज़ मिल जाए जो तुमको पता नहीं थी पहले अब तुमको रियलाइज होता कि मुझे इस फील्ड में बहुत इंटरेस्ट है उस फील्ड में जो रिसर्च वर्क हो रहा है और ये पूरी बात मैंने वीडियो में की है अपने पहले पिछले वाले की और उसका टाइटल ये था कि हाउ टू चूज़ अ कोर्स फॉर अ मास्टर्स डिग्री वो पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है कि तुम अपने बैचलर की जितने भी बुक्स हैं इसमें तो एफर्ट लगता है ना क्योंकि तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई कोई इंसान जो एक बस कैमरे के सामने बोल लेता है यूट्यूब वीडियोज़ बनाता है उस वो उसके पास हमारा सोल्यूशन होगा उसके पास हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा कि हम जो भी तुमको थोड़े बहुत अपने खुद से एफर्ट्स लेने पड़ेंगे तुमको बैचल्स की बुक्स अपनी उठानी पड़ेगी सब जो भी रद्दी में अगर वो नहीं है तो मे भी तुम्हारे पास सिलेबस होगा तुम्हारे बैचल स्टडीज़ का वो सिलेबस का डॉक्यूमेंट होगा वो तुम्हारे यूनिवर्सिटी की साइड से मिल जाएगी वो उसको खोलो वो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको वापस से देखो उनके वापस से उनके हर एक टाइटल को देखो उनके डिस्क्रिप्शन के बारे में देखो सोचो समझो याद करो कि तुमको क्या चीज़ पसंद आती थी, थी उस सब्जेक्ट में क्या चीज़ नहीं पसंद आती थी, थी क्यों नहीं पसंद आती थी, थी उसका रीज़न एग्जैक्ट रीजन क्या था समटाइम्स ये भी होता है कि हमारा जस्ट बिकॉज हमारा इंटरेस्ट नहीं होता आता उस सब्जेक्ट में क्योंकि टेक्स्ट बुक ही इतनी घटिया होती हैं कभी कभी तो क्योंकि तो तो हम लोग रेफरेंस बुक तो कभी ज्यादा पढ़ते नहीं हैं तुम तो जब रेफरेंस बुक देखोगे उठा के तुम तो देखेगा कि बहुत सारी चीज़ें सीखने में उस पर्टिकुलर फील्ड में जो भी तुमको फील्ड पसंद आता नहीं आता अकॉर्डिंग टू दैट ठीक है तो पॉइंट ये है कि सिर्फ बाहर एंड सुपरा है हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पूरे इंडिया के प्राइवेट कॉलेज में सिर्फ वही है और कुछ नहीं मिलता और कोई एक्सपोजर नहीं है बहुत सारे चीज़ें हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में करने लायक लेकिन उधर सिर्फ इतना ही है पर तुम्हारे पास एक अच्छा टूल है जिसको बोलते हैं इंटरनेट जिसको बोलते हैं गूगल तो तुम उसका यूज़ कर सकते हो टू फाइंड आउट वाट अदर फील्ड्स आर अवेलेबल इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग बहुत सारी चीज़ें हैं ठीक है थीके? तो कोई एक एक वे नहीं है एक पाथ नहीं है इस चीज़ को करने का बहुत सारे तरीके हैं तुम ढूंढ लोगे तो मेरा पॉइंट वो है सेकेंडली मुझे ये भी बताना था कि बहुत से जो बच्चे होते हैं अठारह से बाईस साल के बीच में उनको सिर्फ इतना ही यही एक्सपोजर मिलता है ऑटोमोटिव का और मैं ऐसे जनरलाइज नहीं करना चाहता हूँ लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं बहुत से बच्चे ऐसे हैं लाइक नाइन्टी परसेंट अराउंड जो फैंटेसीज में जीते हैं उनका ऑटोमोटिव से रिलेटेड एक फैंटेसी डेवलप हो गई है जिन जिसको वो परस्यू करना चाहते हैं तो उसका एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं एक बहुत पहले एक मूवी आई थी जिसको जिसका नाम था टाजा द वंडर कार बॉलीवुड में मूवी थी ठीक है तो उसमें वो जो अजय देवगन था उसमें मेन मेन एक्टर और और भी मेन एक्टर एक्ट्रेस थे जिनका नाम मुझे याद नहीं है लेकिन तुमको पता होगी टाज द वंडर कार ओके तो बहुत से जो बच्चे होते हैं ना उनके दिमाग में ऐसी ही इमेज बनी है कि जब हम ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग कर लेंगे तो हम एक टाजन द वंडर कार बनाएंगे हम टेस्ला जैसी कंपनी खोल देंगे भाई ये मैं सबके बारे में नहीं बोल रहा हूँ कि सब लोग ऐसा सोचते हैं लेकिन बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं। मुझे उनके मैसेजेस से पढ़ के बहुत कुछ समझ में आ जाता है उनकी पर्सनालिटी वो कैसे सोचते हैं इंडस्ट्रीज़ की बात किया जाए या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के बारे में बात किया जाए ऑटोमोटिव ऑटोमोबाइल्स जो प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर करते हैं वो ऐसे काम नहीं करती है तो तुम मास्टर्स करने के बाद बैठ के ग्राइंडिंग करके वो वो बॉडी में नहीं बनाओगे आ, कार की जैसे तुम तो बाहर एंड सुपरा में करते थे ठीक है वो तुम तुम अभी जवान हो तुम अभी अट्ठारह उन्नीस बीस साल के हो तो तुम वो स्टूडेंट कॉम्पिटिशन में पार्ट ले रहे हो तो तुमको अच्छा लगता है वो करने में ठीक है एक पॉइंट आएगा लाइफ का कि तुम ये जिंदगी भर नहीं कर सकते ठीक है जब तुम मास्टर्स डिग्री कर लेते हो ना उसके बाद तुम्हारा जो एक्चुअल काम होता है कंपनीज़ में वो डॉक्यूमेंटेशन स्ट्राटी इंप्लीमेंटेशन एंड मे बी प्रोडक्शन प्लानिंग ये सब चीज़ों से रिलेटेड होता है आर एंड डी में होता है जैसे कि तुम रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो वर्क करते हो वो बहुत अलग लेवल पर चीज़ें होती है। उसमें तुमको बैठ के तुम अपने हाथों से काम नहीं करते हो तुम अपने दिमाग से काम करते हो वो काम होता है मास्टर्स डिग्री स्टूडेंट का थोड़े बहुत मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि स्किल्स नहीं आने चाहिए वेल्डिंग करना नहीं आना चाहिए एक पॉइंट तक हाँ एक पॉइंट तक, तक तुम कर सकते हो लेकिन उसके बाद जैसे कॉर्पोरेट कल्चर होता है ना तो तुम्हारा हमेशा गोल ये होना चाहिए कि मुझे कॉर्पोरेट कल्चर की जो हरारी है उसमें कैसे क्लाइम करना है उसमें कैसे बढ़ना है ऊपर तो तुम वो तुम तो तुम वो वेल्डिंग करके नहीं कर सकते ठीक है कि तुम एक दो पाइप्स की वेल्डिंग कर रहे हो उससे तुम ऑर्फिस को बाद में ग्राइंड कर रहे हो वे वो वैसे करके नहीं कर सकते तुमको अपना ब्रेन्स यूज करना है उस वे में तुम ऊपर बढ़ोगे तो इंडस्ट्रीज़ में ऐसे या कंपनीज़ में ऐसे काम होता है मेरे कहने का मतलब ये है क्योंकि जितने भी बच्चे ये सब मुझे मैसेजेस करते हैं बहुत कम उम्र रहती है उनकी सत्रह अठारह साल के रहते हैं वो मुझे बोलते हैं कि हमको ऑटोमोटिव में करना है अब मुझे अपनी खुद की कंपनी खड़ी करनी है अच्छा आइडिया है मैं किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ कर भी सकते हो लेकिन प्रैक्टिकालिटी को देखो कि टेस्ला बिलियन डॉलर कंपनी है मुझे पता नहीं शायद बिलियन डॉलर की कितनी है <laughs> बिलियंस में ही रहेगी ऑफकोर्स उसकी उसका उसकी वर्थ ठीक है उसको कॉम्पिट उसको कॉम्पिटिशन उस क्या बोल रहा हूँ मैं उस उसके साथ कॉम्पीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है ठीक है तो तुम देखो चीज़ों को समझो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस जिसको हमको कंसिडर करना पड़ता है जस्ट बिकॉज फैंटी वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है फैंटिसीज में अच्छा ही लगता है वो सब रियल लाइफ बहुत अलग वे में वर्क करती है तो थोड़े लाइफ की डायनमिक्स समझने की कोशिश करो मैं समझ सकता हूँ कि हम जब छोटे रहते हैं हमारी उम्र कम रहती है तो हमें ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आती लेकिन जब कोई समझाने की कोशिश कर रहा है तो उनके बा, उनकी बात को समझने की कोशिश किया करो सो नी नटचल माई पॉइंट इज दैट अप्लाई टू ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग इफ यू गेट इन टू दैट गो फॉर इट ओके बट साइल्टेनिस यू शूड ऑल्सो एक्सप्लोर अदर फील्ड एज वेल मतलब और दूसरे फील्ड्स को भी एक्सप्लोर करो मे बी तुमको कोई ऐसी फील्ड मिल जाए जो विच इज़ नॉट पॉपुलर अमंग स्टूडेंट्स बट इट हैज अ वेरी ह्यूज स्कोप तो तुम उसमें अपना मास्टर्स परस्यू कर सकते हो मे बी उसके बाद तुम पी एच डी परस्यू कर सकते हो अगर तुमको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया और मे बी समे तुमने इतना अच्छा उसमें रिसर्च वर्क कर लिया कि तुम उसमें नोबल प्राइज जीत जाते हो यू नेवर नो राइट कि तुम्हें पता ही नहीं है पर उसके लिए तुमको पहले एक्सप्लोर करना पड़ेगा तुमको बहुत सारी डिफरेंट चीजें टेस्ट करनी पड़ेगी उसी के बाद तुम एक प्रॉपर डिसीजन पे पहुंच पाओगे लेकिन कभी भी मैं ये भी नहीं बोलता कि तुम एकदम परफेक्ट डिसीजन पे पहुंच जाओगे कोई भी नहीं बट एटलीस्ट तुम उसकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज कर दोगे सो दैट वॉज इट आई होप दैट कुछ वैल्यू प्रोवाइड हो कुछ तुम्हें तो समझ मिली हो इस वीडियो के थ्रू एंड प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सी नेक्स्ट टाइम